22 अल्ट्रा 1 लाख रुपए का फोन है भाई, इसके अंदर गेमिंग कैसी होगी, हीटिंग प्रॉब्लम है या नहीं। मैंने जैसे पहली वीडियोस में बताया था हीटिंग प्रॉब्लम बहुत है, तो गेम वगैरह खेलते हैं, दिखाते हैं क्या कुछ हीट होता है, कौन सा पार्ट एक्चुअली में हीट होता है, और अगर आप इस फोन को लेते हो तो गेमिंग में आपको दिक्कत होगी नहीं होगी, गेम्स वगैरह खेलेंगे, सब कुछ बताने वाले आज की इसी वीडियो में। वैसे में 2K डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, तो गेम खेलने में वैसे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बाकी देखते हैं क्या कुछ दिक्कत वगैरह आती है नहीं आती, वो सब बात करिए आज की इस वीडियो में। वैसे मैं चैनल पर नहीं हूं, तो मेरा नाम राज, आप लोग देख रहे हो टेक्निकल सब्जेक्ट, और आज है हमारे पास में सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा, और करते भाई अब इसका गेमिंग टेस्ट। अगर हम गेमिंग की बात करें तो देखो, हम पबजी के अंदर भाई हाईएस्ट सेटिंग लगाई हुई है, अल्ट्रा HD पे आप अल्ट्रा के ऊपर खेल सकते हो। अभी स्टार्ट वगैरह भी करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, और जो एकदम आपको जो डिस्प्ले का हैप्टिक फीडबैक वगैरह है ना, वो बहुत ही बढ़िया है, और बाकी खेलते हैं और आपको दिखाते हैं। और स्पीकर की अगर हम बात करें, इसका साउंड अगर मैं फुल करूँगा ना तो मज़ा ही आ जाएगा, मतलब बहुत ही क्रिस्प साउंड आती है खेलों की, तब हैप्टिक फीडबैक वगैरह जो है वो भी देखते हैं भाई। मैच मेकिंग हो जाने देते पहले, जो भाई गेम के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे हमने एक को मार भी दिया है। अभी ये डब्बा कैसे खुलेगा भाई, डब्बा खुल जा, सिम खुल जा भाई, भाई खुल भी जा भाई, ये डब्बा बब्बा कैसे खुलता था मैं भूल गया, हाँ यहाँ से, क्योंकि देखो मैं भाई पबजी प्लेयर हूँ नहीं, तो पबजी तो मैं आपको उतना अच्छे से खेल के नहीं दिखा पाऊँगा, फिर तो घन वगैरह चला के देखते हैं। तो भाई एक्चुअली में भाई फील होता है हैप्टिक फीडबैक पूरा, आपके हाथ में वाइब्रेशन वगैरह आएगी। अगर मैं साउंड फुल कर दूंगा ना तो आपको थोड़ा और पता चलेगा, बस आप सुनियो, मज़ा आ रहा है भाई गेम खेलने में, एक्चुअली में मज़ा आएगा, और वाइल्ड गेमिंग फ़ोन हीट होगा आपका, मतलब मैंने अभी हाईएस्ट सेटिंग लगा रखी है। आपने अनबॉक्सिंग वाली अगर वीडियो देखी हो तो तब मैं जब गेम खेल रहा था तब मैंने उतना कुछ खेला नहीं था, बस ऐसे ट्रेनिंग खोल के आपको दिखा रहा था। जो डिस्प्ले की क्वालिटी वगैरह है ना, वो एक्चुअली में बहुत बढ़िया है, डिस्प्ले आप देख सकते हो, मतलब आपको इसके अंदर जो भाई रिफ्रेश रेट अलग ही लेवल का है, मज़ा ही आ जाएगा अगर आप गेम खेलते हो। मैं अपने ओपिनियन से बताऊँ तो मैंने फ्री फायर खेली हुई है, तो फ्री फायर भी खेलेगी तब मैं आपको बता पाऊँगा कि एक्चुअली में कितना अच्छा है इसका गेमिंग और टेस्ट। बाकी पबजी वगैरह खेलोगे तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा, बट आपको हीटिंग प्रॉब्लम का सामना बहुत ही ख़राब तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि हीटिंग प्रॉब्लम है 8th Gen 1 के अंदर। बाकी एक्चुअली में आपका गेम बहुत ही स्मूथ रन करेगा, और 5000 mAh की बैटरी आपको मिलेगी, तो आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो। सामने वैसे एनिमी है, इसको अगर हम मारने की नाकाम कोशिश करूँ तो भाई, मतलब क्योंकि मेरे को आता नहीं है ना, तो हम नाकाम कोशिश ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने एक और बंदे को नॉकआउट कर दिया, इसको क्लियर कर दे। देखो भाई मेरे को उतना नहीं आता भाई, ये भी कैसे मर रहे हैं मेरे को नहीं पता, मर जाओ भाई, वीडियो बन रही है यहाँ पे। ओके लूटेगी भाई अब इसको, क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं है ज़्यादा, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो भाई आपको इसके अंदर गेम खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट हाँ आपको एक दिक्कत ये होगी। यहाँ पे देखो अभी गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, गेम खेल रहे हो आप तो ये वाली फ्रेम भी गर्म हो रही है, ये वाली भी हो रही है, ये वाली भी हो रही है, ये वाली भी हो रही है, मतलब ये एल्यूमिनियम बॉडी है ना, यहाँ पे आपका प्रोसेसर रहता है यहाँ कहीं पे, तो भाई ओवरऑल जो 8th Gen 1 प्रोसेसर है ना, वो जिस भी फ़ोन में आ रहा है भाई, फ़ोन गर्म ही हो रहा है, और एक्सट्रीम लेवल पे गर्म हो रहा है। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा गर्म हो रहा है और हम आपको बोल रहे हैं कि गर्म हो रहा है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जब गर्म होता है ना तब भाई, तभी हम आपको बताते हैं कि भाई ऐसा कुछ है। बाकी मैं आपको नहीं बोलता कि भाई ये गर्म होता है नहीं होता, इसके अगर हम यहाँ पे नेम लिख देते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट, ऐसे ही लिख देते हैं ना, क्योंकि गेम भी स्टार्ट करना है हमको। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो हम फ्री फायर भी खेल के दिखाएगी, बट यार जितना मैंने इसको यूज़ किया, पबजी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खेला, अब मुश्किल से 5 मिनट खेला होगा हाईएस्ट सेटिंग पे, ये वाला फ्रेम गर्म हो चुका है, ये वाला कम हुआ है, बट ऊपर वाला भाई बहुत ही बप्पे की तरह गर्म हो चुका है, पीछे वाला भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, साइड की फ्रेम्स भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, और यहाँ पे जो है अपना फ्री फायर स्टार्ट हो चुका है, और ये पता नहीं क्यों उल्टा स्टार्ट हो गया। भाई फ्री फायर मैंने थोड़ा सा खेला हुआ है, उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो भाई इसके अंदर सेंसिटिविटी नेक्स्ट लेवल देखने को मिलती है, तो आप पबजी खेलोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, खेलने में अलग ही फील मिलेगी। अगर हम इसको वो मार देते हैं तो फिर इस टाइप से हेड मार देते हैं हम यहाँ पे, और भाई गेम खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है, हैप्टिक फीडबैक, साउंड क्वालिटी, अगर आप इसको विदाउट ईयरफोन यूज़ करते हो, देखो ईयरफोन लगाने का आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता, गेमर्स के लिए भाई ये डिसअपॉइंटिंग चीज़ है वैसे, बट हाँ ये जो फ़ोन जो जिस प्राइस पे आ रहा है उस प्राइस पे आपको गेमिंग फ़ोन बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, ये हीटिंग इशू वगैरह भी नहीं होगा उसके अंदर, बट जो भाई इसकी डिस्प्ले है ना वो गेमिंग फ़ोन से भी एक्चुअली में बहुत बढ़िया है, बट हाँ यहाँ पे अगर आप कुछ इस टाइप से करके खेलते हो तो यहाँ पे टच हो रहा है कि नहीं, हम देखते हैं,
तो यहाँ पे भी टच हो रहा है, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला कर्सर यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इस टाइप से करता हूँ ना थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे भी अगर आपकी उंगली रह रही है तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर आप पबजी में या फ्री फायर में फोर फिंगर प्लेयर हो तो यहाँ पे आपको ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी हीटिंग इशू है। अब देखो भाई, 1 लाख का फ़ोन ले रहे हो, उसके अंदर 8 Gen 1 आया ना, इसीलिए ये हीटिंग इशू आ रहा है। जिस भी फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 प्रोसेसर आ रहा है उसके अंदर आपको ये हीटिंग इशू देखने को मिल ही रहा है। कुछ ही फ़ोन ऐसे हैं जिसके अंदर आपको ये इशू नहीं देखने को मिल रहा है, और क्यों आ रहा है ये इशू वो तो भाई हमको भी नहीं पता। बाकी ओवरऑल अगर स्पीकर वगैरह की बात करें तो भाई बहुत ही अच्छा स्पीकर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर। यहाँ पे सबके सब यहाँ पे आ गए, तो सभी को हम मारेंगे। चलो यहाँ पे एक को मार दिया, एक और को मारेंगे, मर जा भाई। अभी अगर मैं अपने फ़ोन से खेलता ना तो ये सब मर चुके होते अब तक। तो इसको भी हम मारेंगे, देखो। तो देखो भाई, सभी को हमने मार दिया। ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। तो भाई ये भी खेल लिए थे, क्या फ़र्क पड़ता है? तो भाई इसको भी खेलने में क्या दिक्कत होती है? नहीं। तो भाई ये तो वैसे नॉर्मल सा गेम है, उतना हाई लेवल गेम नहीं है, बट हाँ आप इसके अंदर गेम्स वगैरह खेलते हो तो कोई दिक्कत वैसे नहीं होती है। और मैंने जितना इसको यूज़ किया उस हिसाब से बताता हूँ, जो प्रॉब्लम है ना इसके अंदर वो हीटिंग का है। बहुत ही अलग ही लेवल पे भाई इसके अंदर हीटिंग प्रॉब्लम है। बहुत कम आप गेम खेलोगे तब भी हीट करता है, नहीं यूज़ करोगे तब भी हीट करता है। आउटडोर की बात कर रहा हूँ मैं, इंडोर की बात नहीं कर रहा। और ऐसे पड़ा रहता है तब भी भाई पता नहीं क्यों, बट हीटिंग प्रॉब्लम है इस फ़ोन के अंदर। मेरे पास वो मेजरमेंट करने वाला आता है ना, वो नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। अगर मैं छू के आपको बताऊँ तो उस हिसाब से 40 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर होना चाहिए, अगर मैं यहाँ के टेम्परेचर की बात करूँ। जो 41 डिग्री जो है अपना गांधीनगर का वेदर है, उस हिसाब से फ़ोन का जो टेम्परेचर होना चाहिए ना वो 40 से नीचे होना चाहिए। तो ये 40 से ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना गर्म हो रहा है ना। ये डिस्प्ले फ्रंट पार्ट भी गर्म होता है, ये बैक पार्ट पे यहाँ पे ये एरिया है ना, ये वाला, ये बैक साइड पे गर्म होता है, ऊपर की साइड पे ये गर्म होता है। मतलब भाई 8 जेन 1 इस फ़ोन के अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने इसका कैमरा परफॉर्मेंस वाला वीडियो नहीं देखा ना भाई, एक बार जाके देखना। कैमरा टेस्टिंग जो हमने की थी ना आउटडोर पे, भाई कैमराज बहुत ही बढ़िया डाले हैं इस फ़ोन के अंदर। स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 नहीं होना चाहिए था भाई, बहुत हीटिंग हो रहा है। आप 1 लाख रुपए का फ़ोन है भाई ये, 1,12,000 रुपए का फ़ोन है ये, और इसके अंदर भी ये वाले हीटिंग प्रॉब्लम्स आएगी तो फिर क्या करेगी हम लोग। हमने इसके अंदर फ्री फायर खेली, इसके अंदर हमने पबजी खेली, इसके अंदर हमने कैंडी क्रश भी खेली। देखो नॉर्मल गेम्स के अंदर ये इतना हीट नहीं होगा, बट जब आप ऐसी पबजी जैसी कोई हाई एंड गेम खोल देते हो, फ्री फायर खोल लेते हो, तब जो मेजॉरिटी पार्ट जो गर्म होता है ना, यहाँ से लेके ये जो कैमरा सेंसर है ना, ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा गर्म होगा। फिर ऊपर वाला पार्ट भाई ये आप टच नहीं कर पाओगे, जब आप उसको, आपको हैवी यूज़ किया है ना तो उसके बाद आप उसको टच नहीं कर पाओगे। प्रोसेसर रिलायबल है, बट ये हीटिंग इशू क्यों आ रहा है ना वो मेरे को नहीं पता। सैमसंग ये वाला हीटिंग इशू अपडेट्स के थ्रू हटा सकता है वैसे देखा जाए तो, बाकी गेम वगैरह खेलने में कोई दिक्कत नहीं होती, बट जो हीटिंग इशू है ना भाई वो एक बहुत ही दिमाग पे आ जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई। बट हाँ, जो हीट होता है ना वो एक्चुअली में हद से ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी कोई और दिक्कत तो नहीं लगी। बाकी इसके ऊपर कोई और वीडियो चाहिए तो बता देना। बाकी इसका कैमरा टेस्ट वाला हमने एक वीडियो बनाया था, वो अगर आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखना भाई। बहुत ही बढ़िया सैंपल्स निकाल के दी थी, कैमरा वगैरह लेआउट वगैरह देखे तो बहुत ही अच्छा है। 5000 mAh की बैटरी भी मिलती है। इसकी अनबॉक्सिंग हमने की हुई है, अगर नहीं देखी तो उस पर जाओ, उस पर हमने पूरा डिटेल्स वगैरह आपको बताई हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हो वाला वीडियो को। बाकी देखो ओवरऑल फ़ोन बहुत बढ़िया, बट जो एक प्रॉब्लम है इस फ़ोन के अंदर, देखो सारे आपको सब कुछ अच्छा नहीं मिल सकता, कोई भी फ़ोन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि इसके अंदर हीटिंग इशू है। सब कुछ अच्छा है भाई, डिस्प्ले विस्प्ले सब अच्छा है, बस हीटिंग प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। सैमसंग गैलेक्सी S22 Ultra, आज की डेट पे अगर आप इस वाले फ़ोन को परचेज करते हो तो आपके उसको लेने के लिए 1,12,000 रुपये देने पड़ेंगे। उसके साथ में आपको एक स्मार्ट वॉच भी फ्री मिलेगा, उसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो जल्दी आपको दिखा दूंगा। बाकी देखो फिलहाल के लिए वीडियो में नहीं रखते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और नेक्स्ट वाली वीडियो में। और यही कुछ था अपना सैमसंग गैलेक्सी S22 Ultra का गेमिंग।